हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेस वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1.13 जो कि एनसीईआरटी टेक्सटबुक क्लास 11 की बुक बैक एक्सरसाइज है और चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज As shown below, 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. So friends, यहाँ पर जो ये statement दिया गया है, if mass of air, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, mass बताया गया है air का जो कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में है। इसी सेंटेंस को लेकर हम चलेंगे और अपना कैलकुलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है, फोर्स को हम वेट भी लिख सकते हैं, वेट पर यूनिट एरिया। और ये वेट पर यूनिट एरिया को हम वेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर के हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हो गए, इसमें से हम ये लास्ट वाला यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें मास पर यूनिट एरिया दिया गया है, उसमें हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मास पर यूनिट एरिया वो है हमारा 1034 ग्राम्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, अगर मास हमें पता है तो वेट पर यूनिट एरिया, तो हमें क्या करना होगा, वेट से मास, वेट निकालने के लिए मास इनटू ग्रेविटी करना है। तो मास हमारा हो गया 1034 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम सीधे कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी उसकी यूनिट हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है और जो कि हमारा मास पर यूनिट एरिया है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो पहले उसे स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि ग्राम्स को किलोग्राम से कैसे कन्वर्ट करना है, 10^-3 कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.034 किलोग्राम और सेंटीमीटर हो जाएगा 10^-2 मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 10^-4 मीटर स्क्वायर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस विल गेट द आंसर हियर, दैट इज़ 1.01332 इंटू 10^5 और यही हमारा प्रेशर है और इसके हम लिखेंगे पास्कल में। तो ये हमारा हो गया वेट पर यूनिट एरिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर एंड दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन, थैंक यू।